नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सावन के दूसरे सोमवार को समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के पटसा स्थित प्रसिद्ध सर्वेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बेगूसराय के पवित्र सिमरिया घाट से सैकड़ों कांवड़िया ने गंगा जल लेकर पैदल सर्वेश्वर धाम में बाबा भोले पर जल अर्पण किया। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र के भकुरहर गांव में दर्जनों की संख्या में डकैतों ने अधिवक्ता के घर पर धावा बोलकर तकरीबन 8 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। इस दौरान डकैतों के द्वारा घर के लोगों को बंधक बना लिया गया। तो 20 से 25 हजार की कैश जो गिना हुआ नहीं था, 20 से 25 हजार करीब 5 लाख के आसपास का ऑर्नामेंट आकलन करने के बाद में बुझा जा क्या है, छोटा मोटी एवरेज 5 लाख के आसपास। करीब करीब फोन किए हैं उसके 20 मिनट के बाद, कुछ देर वहाँ खड़ा था ना, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं था, सब मोबाइल सीज हो गया। मोबाइल मिल गया, लेकर भाग गया, घर में छोड़ दिया मोबाइल, एगो लेकर चला गया, एगो शहर में बिक दिया। आजमनगर बक्षल्ला मार्ग पर पलसा गांव के निकट जोकर मोड़ के पास इंजियन ऑयल पेट्रोल पंप का विधिवत भूमि पूजन कर तथा फीता काट कर अतिथि राजा राम पासवान के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र के किसान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पेट्रोल पंप का यहाँ डीजल और पेट्रोल का पंप का व्यवस्था हुआ, इसके लिए किसान को बहुत लाभ का होगा, लाभ होगा। मेरे प्रखंड क्षेत्र में पेट्रोल पंप नहीं थी और इससे होंगे कि इस प्रखंड क्षेत्र के जितने भी गांव हैं सभी गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी, किसानों को सुविधा मिलेगी। बेगूसराय में एक बड़ा रेल हादसा होते होते उस वक्त बच गया जब समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर रेलगाड़ी के इंजन में बाइक फंस गई तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। दरअसल गुमती बंद होने के बावजूद बाइक सवार गुमती पार कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई तो बाइक सवार रेल ट्रैक पर ही बाइक छोड़कर भाग गया। ट्रैक पर बाइक रहने से ट्रेन के इंजन में बाइक फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी को रोक लिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना घटी है, ढाला लगा हुआ था मोटरसाइकिल से, वो उधर निकल रहे थे तो मोटरसाइकिल नहीं निकला पाया तो मोटरसाइकिल छोड़ गए और निकल गया दौड़ के इधर पर। मामला मसौढ़ी से है जहां मसौढ़ी पुलिस शराबियों और शराब निर्माताओं पर पूरी तरह नकेल कसने में जुट गई है। इसी क्रम में मसौढ़ी थाने की पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तारेगना मुसहरी से शराब भट्टियों को ध्वस्त कर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 शराबियों के साथ साथ निर्माताओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमावर्ती के जमुनिया पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों ने घोड़ासहन थाना क्षेत्र के श्रीपुर चौक से 145 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नौ
नौतन प्रखंड के सभागार में आयोजित पंसस की दूसरी बैठक में यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा छाया रहा। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख कृष्णदेव चौधरी ने किया। बैठक की कार्यवाही शुरू होने के पहले पंचायत के मुखिया और पंसस सदस्यों द्वारा पीएम आवास, दलजल और आंगनबाड़ी केंद्र में अनियमितता के साथ जाली तमिलनाडु के प्रमाण पत्रों पर चयनित सेविकाओं की जांच कर कार्यवाही करने का मुद्दा उठाया गया। समय मैंने नियम अनुसार जो है हर दो है, उसमें 46 एक्ट एक्ट में है, 46 एक के एक्ट में है, 46 ए करेंगे कि जी नहीं। पटना के रामकृष्णा नगर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बहनों ने महिला दरोगा की थप्पड़ और फिर चप्पल से पिटाई कर दी। यही नहीं, दोनों युवतियों की मां जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वो भी पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगी। इस तरह की हरकत को देखकर थाने की पुलिस भी दंग रह गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। शाम में ऑटो से लौट रही थी, एक बाइक पे दो लड़के बेउर मोड़ से ही उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उसका ऑटो जगनपुरा मोड़ से करीब 100 मीटर पहले ही था, तो ये लड़की अपने मोबाइल से बात कर रही थी। वो लड़के ऑटो के साइड में आए और इसका मोबाइल झपट्टा मार के पूरे की तरह भाग गए। ये लड़की सोनाली ऑटो चलती ऑटो से उतर गई, जिसके कारण गिर गई और उसको कुछ चोट भी लगा। और हालांकि कुछ लोग पीछा किए लेकिन वो भाग गया। बारसोई अनुमंडल के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में सावन माह की दूसरी सोमवारी को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। संतेपुर के रहने वाले दिवाकर को हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड बना के और राजधानी पटना के किदवईपुर स्थित होटल रेड वेलवेट में सोमवार को भूमिहार महिला समाज का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लॉन्च की गई, जिसमें अब तक महिला समाज ने क्या काम किया उसको दिखाया गया। सबसे पहले तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि इन लोगों ने शुरू किया और शुरू करके उसको आगे बढ़ाया। अपने कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिए जिससे बहुतों की भलाई हो रही है, समाज की भलाई हो रही है। इन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है कि और भी ज़रूरतों को समझें कि समाज की और क्या ज़रूरत है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पूरी महिला समाज जागृत हो और लोगों से हेल्प मिले। जहाँ सरकार से मदद की ज़रूरत है वहाँ सरकार से मदद ले और लेकर के इन लोगों को लेकर के आगे बढ़े। ये ज़रूरी भी था, इसलिए एक तो है कि सही बात है, एक समझिए स्थापना दिवस हम लोग के लिए एक उत्सव जैसा और भी हो गया, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई है तो उसको भी सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं इस भूमिहार महिला समाज के फंक्शन के साथ साथ में। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।